अपना। नमस्कार सर, आपसे नमस्कार सर। मेरा सवाल सर टारशन सुप्रिया और मनाली पेट्रो पे है। टारशन के 51 शेयर है 525 रुपए पे, सुप्रिया लाइफ के 115 शेयर है 282 रुपए, मनाली पेट्रो के 305 शेयर है 66 रुपए पे। वी लॉन्ग टर्म है सर। ओके, तो पहले मैं आपके दो सवाल ले लेता हूं। तो आशीष सर, टारसन्स प्रोडक्ट करीब 525 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 494 का मौजूदा स्तर, 30 रुपए पर शेयर घाटा। और सुप्रिया लाइफ 282 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 115 शेयर है, 30 रुपए पर शेयर का यहां पर भी घाटा। क्या करना चाहिए ने? मुझे टारसन के बारे में बात करूँ तो काफी रिसेंट लिस्टिंग है, 2022 में लिस्ट हुआ है और एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने मिला है हमें। 800 इनफैक्ट 900 का जो हाई था वहां से ये स्टॉक स्लिप हुआ है और कंटिन्यूअसली कोई भी पुल बैक आ रहा है उसमें भी सेलिंग ही देखने मिल रही है। एक अहम सपोर्ट के पास आ चुका है ये वापस 493। अगर ये 490 का जो इसका जोन है वो टूटता है तो इसमें और भी प्रेशर देखने मिल सकता है और ये शेयर शायद 470 तक भी स्लिप हो सकता है। तो थोड़ा सा 490 के स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने रहे, कोई पुल बैक आता है तो एक बार जरूरी से एनालाइज करें क्योंकि जिस हिसाब का सेलिंग प्रेशर बना हुआ है हमें लग रहा है कि इसमें प्रेशर और माउंट होता हुआ देखने मिल सकता है। सुप्रिया लाइफ साइंसेस की बात करूं तो इसमें जी ये स्टॉक जो है अब थोड़ा सा पुल बैक आज के सेशन में देने में सफल रहा है। इसमें भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है लेकिन हमें लग रहा है कि शायद ये टू अपने 20 डेमा तक मूव कर सकता है कि 265 तक का जोन इसमें आता हुआ देखने मिल सकता है। तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी नहीं, जो स्टॉप लॉस इस पे मेंटेन करना और 240 का एसएल मेंटेन करें। एस एस कुलकर्णी साहब हमारे साथ मौजूद है नासिक से बातचीत करने के लिए। कुलकर्णी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। मैंने आयशर मोटर्स खरीदे है जी अराउंड 1.5 मंथ बैक 3286 से। ओके, और मेरा आउटलुक शॉर्ट टर्म है तो क्या करेंगे? आशीष जी, आयशर मोटर करीब 3286 के दाम पर खरीदारी है, 3400-3500 रुपए का मौजूदा स्तर है, 100 शेयर इन्होंने खरीदे हैं, 200 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। क्या करना चाहिए ना? जी सुमित जी, ऑटो में हमने देखा आज टू व्हीलर्स में तो बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट थी, बजाज के नंबर्स के बाद पूरा टू व्हीलर सेक्टर में मूव अच्छा था, आयशर और स्कॉच में भी अच्छा मूव बन रहा है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में कंटिन्यूअसली हमने देखा है कि पैटर्न बना है, हायर हाइज का पैटर्न बनते जा रहा है और स्टॉक सफल रह रहा है बार बार अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के पास मूव करने में, तो होल्ड करने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3440 का एक एसएल मेंटेन करे, हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 3600 और 3640 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 3600-3640 तक के लेवल्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मयंक जैन हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जैन साहब। सर मैंने एमएमटीसी खरीद रखा है 7820 में 2000 शेयर। जी, तो जैन साहब खरीदारी की खास वजह एमएमटीसी में? सर जी न्यूज पे बता रहे थे और मेरे एक दो फ्रेंड्स ने भी रिकमेंड करा था। जी, आपने कुछ पड़ताल की थी इसके बारे में? मैं बेसिकली ज्वेलर हूँ तो एमएमटीसी का काम वैसे बहुत अच्छा है, कॉइन स्टोरों का बहुत बढ़िया काम है। जी, दे आर द बेस्ट गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन। लेकिन एक चीज है कि जैन साहब इन्होंने प्रॉफिट नहीं बनाया, पिछले 12 साल से ऑपरेटिंग लॉस में है ये कंपनी, सो ये एक बड़ा कंसर्न है। दो इनके रेवेन्यूज बहुत अच्छे हैं और इस काम में सच में दे आर द बेस्ट, बट जो है वो है, नंबर्स तो नंबर्स हैं। क्या करना चाहिए अब आशीष जी? एमएमटीसी 78 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है लेकिन सो फार 10 रुपए पर शेयर का मतलब 10% के आसपास का घाटा हो रहा है, अभी क्या करें? इसमें जी एक सलाह देना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा आपके रील्स देखे, आपने एक अच्छा फ्लैग इसमें रेज किया है और स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन उसके बाद इमीडिएटली देखने मिला है, बहुत भयंकर रन अप ऑलरेडी इसमें देखने मिल चुका था। हमारी सलाह ये रहेगी कि कोई भी पुल बैक आता है तो एक बार एग्जिट करें इससे। तो जैन साहब, क्योंकि ये लो फ्लोट स्टॉक्स हैं, एमएमटीसी, एसटीसी, केआईओसीएल, एचएमटी, एंड्रयूयूल, इन सबका फ्लोट बहुत छोटा है तो लो फ्लोट की वजह से ये इजीली मूव कर रहे थे। अब रिस्क इसीलिए यहाँ पे खड़ा हुआ है कि अब आप बेचने जाएंगे तो बेचेंगे किसे, क्योंकि सरकारी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है और वो हिस्सेदारी बिकी नहीं अभी तक, तो इसलिए ज़रा ध्यान रखिएगा, कोई भी तेज़ी मिले उसका इस्तेमाल करिए और फाइनेंशियल एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा। रमेश शर्मा हमारे साथ अब जयपुर से ही मौजूद हैं। तो शर्मा साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। सर ये लुपिन लिए हैं जो ये अभी 2-3 दिन से मार्केट भी जा रहा है लेकिन सारे फार्मा स्टॉक तो चले हैं, ये लुपिन नहीं चल रहा, मैं 103 महीने के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। ओके, और इसका नेक्स्ट टारगेट 1250 आ सकता है क्या? चलिए, तो 1250 का टारगेट साध के बैठे हैं आशीष जी, ये लुपिन में करीब 1197 चल रहा है अभी, मुनाफा है 250 रुपए का, क्या करें ये?
कि सुमित जी पूरे फार्मा में वापस हमने देखा एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला, और लुपिन में भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। जो इनका टारगेट है 1250 को जरूर आता हुआ देखने मिल सकता है, इन्हें एक से डेढ़ महीना मैक्सिमम लगेगा जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ फार्मा में, एक से डेढ़ महीने में इनका टारगेट इन्हें देखने मिल सकता है। इन्हें जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 1160 का एक एसएल ट्रेल करके ले आए ऊपर, वहां पे एक एसएल मेंटेन करे और स्टॉक में बने रहे, बने रहने की राय यहाँ पर भी है। दिव्यांशु हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। दिव्यांशु जी नमस्कार, क्या सवाल है पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार दिव्यांशु जी, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 410 शेयर से 81.90 रुपए के रेट पे, उसको होल्ड करो या इधर सेल करो। चलिए तो आशीष जी क्या राय है, बैंक ऑफ बड़ौदा 81 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 123 रुपए पर शेयर का मुनाफा है, क्या एटलीस्ट कैपिटल निकाल लें? जी सुमित जी कैपिटल निकाल सकते हैं ये, बट ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, और जिस हिसाब से मेरे ख्याल से बॉन्ड इंक्लूजन हुआ था उसके बाद वापस ये काफी अच्छी री रेटिंग हुई है सारे पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। हमारी सलाह रहेगी कि इसे होल्ड करें, 200 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें, छोटा सा एसएल है, अगर उसके नीचे जाता है तो जरूर अपना कैपिटल जितना है वहां वो एग्जिट कर ले, बट हमें लगता है इसमें वापस एक शायद पुल बैक देखने मिल सकता है। आज भी देखिए बैंक निफ्टी गिरा हुआ था लेकिन पीएसयूज में अच्छा खासा मोमेंटम था और एक अप क्लोज देने में सफल रहा है, तो हमें लग रहा है कि इसमें वापस 215-218 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, अगर 200 से नीचे जाता है तो वहां पर जरूर अपना एक बार कैपिटल निकाल लें। जी तो 200 के नीचे जाए तो आप थोड़ा सा कैपिटल निकल जाए, लेकिन बाकी आप बने रहें, ये आपको राय दी गई है। पवन कुमार हमारे साथ मौजूद है रेवाड़ी से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल है? SBS एक्सपोर्ट्स पे। अच्छा, किस भाव पे खरीदारी सर? हाँ जी 10,000 शेयर ले रखे सर 20 रुपए पे। 20 रुपए के दाम पे 10,000 शेयर खरीदारी आपने कब की थी? सर महीना भर हो लिया। चलिए बढ़िया खरीदारी, इनफैक्ट मैं इस कंपनी बारे में पढ़ भी रहा था, ये कंपनी पहले तो टेक्सटाइल में थी, फिर धीरे धीरे इन्होंने टूर्स एंड ट्रेवल्स में एक्सपोर्ट मतलब कामकाज एक्सपैंड किया, और रिसेंटली इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ आईटी मिनिस्ट्री से कुछ दो बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं, बैक टू बैक ऑर्डर्स भी आए हैं, अच्छा मुनाफा है। आशीष सर इनके पास SBC एक्सपोर्ट की आमतौर पर चर्चा कम होती है इसकी, लेकिन इसमें खरीदारी की है 10,000 शेयर है, करीब 20 रुपये के दाम पर खरीदारी है, सो फार तो 28 रुपये आ गया, तो 8 रुपये पर शेयर का मुनाफा है, कंपनी ने रिसेंटली पिकअप भी अच्छा लिया है, क्या करना चाहिए? इसमें जी अच्छे प्रॉफिट में ये बैठे हैं, इन्हें सिर्फ अब स्टॉक को होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, सिर्फ प्रॉफिट जो इनका जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके अब करीब करीब 25 के पास ले आए, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ क्योंकि हमें लग रहा है जिस आपका मूव बना हुआ है और जिस आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें 35 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं, तो 33-35 तक के लेवल्स इसमें जल्दी आते हुए देखने मिल सकते हैं, तो 25 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर व्यू में दूं तो शायद इसमें 37-38 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। चलिए तो पहले 35 रुपए के आसपास तक के टारगेट्स, और अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ पर आप 38-40 तक के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, इस लिहाज से भी आप नजर रखेंगे। अब हिसार से हमारे साथ ओपी जैन मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार जैन साहब। सर मेरे नमस्कार सर, मेरे पास जो है ना बहुत टाइम पहले के ओमैक्स लिमिटेड के 131 शेयर हैं 325 रुपए के हिसाब से लिए हुए। ओके हाँ, तो सर अब उसको निकल जाऊं या कुछ उम्मीद रखते हैं? ये कब की खरीदारी आपकी? बहुत जब ये इनका इशू आया था सर तब की है। तो उस ड्यूरेशन के बाद से लेके अब तक तो ये कई बारी मतलब इतनी तेजी से नीचे आया, और नीचे के लेवल भी आपने देखे होंगे। नहीं बेचा नहीं सर मैंने, बस मैं उसी को चलते भी चलो आएगा इसीलिए बैठा रहा था। ओके तो क्या करना चाहिए आशीष सर? एक लंबा अंतराल इन्होंने दिया है इसको, 325 रुपए के दाम पे खरीदारी है, नीचे 40 रुपए भी देखे, अब 90 रुपए एटलीस्ट साल के हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, तो क्या आप बने रहें या स्टॉप लॉस ट्रेल करें, कैसे करें? जी सुमित जी एक्चुअली स्टॉप लॉस तो इनका काफी पहले ऊपर छूट गया है, 2007-08 में क्या से भाव थे और काफी ज्यादा इन्होंने होल्ड कर लिया, सलाह यही रहेगी कि थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, तभी अगर वेल्थ क्रिएशन स्टॉक मार्केट में करना है तो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी सलाह यही रहेगी कि स्टॉक में कोई भी पुल बैक आता तो एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि ये पुल बैक कितना सस्टेन होगा, अभी जो नीचे से चला है 40 से वापस 80-85 तक के लेवल्स दिखा रहा है, ये कितना सस्टेन होगा उस पर क्वेश्चन है, तो एक बार कोई भी पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी।
तो कोई भी पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल्थ लॉस किया है इसमें, तो आप कोशिश करिए कि जहाँ कम से कम लॉस आप बियर कर पाएँ वहाँ निकलने की कोशिश करें। और आमतौर पर कभी भी अगर ऐसे किसी निवेश में जाते हैं तो अगर लंबी अवधि के लिए भी रख रहे हैं किसी कंपनी में, तो एटलीस्ट एक फेयर स्टॉप लॉस तो आपको रखना ही चाहिए अपनी पोजिशंस के अंदर। अब पंजाब चलते हैं, वहाँ पर पटियाला में हमारे साथ संदीप कौशल साहब मौजूद हैं। कौशल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। हाँ जी, मेरे पास मिंडा कॉर्पोरेशन के 4000 शेयर हैं 86 पे। ओके। एबी कैपिटल के हैं 7000 शेयर 45 पे। ओके। और जी आल कार्गो लॉजिस्टिक्स है, आल कार्गो लॉजिस्टिक्स 4300 है, 4300 शेयर 207 रुपए के भाव पे हैं। ये मैंने डी मर्जर से पहले लिए थे। ओके। इसमें तो, मुझे आल कार्गो टर्मिनल और ट्रांस जो इनका है ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट उसके भी शेयर मिले। तो कौशल साहब मैं दो ही सवाल ले पाऊंगा, तो मैं आपका मिंडा कॉर्प का पहला सवाल ले लेता हूँ, और दूसरा नाम आपने शायद लिया था मिंडा कॉर्प के बाद एबी कैपिटल। तो दोनों में नजरिया क्या रखते हो आप? लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो आशीष जी, एक है मिंडा कॉर्प, करीब 4000 शेयर हैं 86 रुपए के दाम पे, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है इसमें, और दूसरा है एबी कैपिटल, वहां पर भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 40-43 रुपए की रेंज में, और बहुत जब रिस्पीट पे अपना रिस्क होता है तब शायद ये पोजीशन में खरीदारी करते हैं, इसलिए इनको इतने अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं दोनों ही सिचुएशंस में, क्या करें ये? इसमें जी मिंडा कॉर्प में तो आज एक बहुत बड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है, 6.5 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जहाँ की एवरेज इसका 3-4 लाख शेयर्स का काम होता है, बहुत एक प्राइस एक्शन भी बहुत स्ट्रांग बना है, लग रहा है कि कुछ न्यूज ड्रिवन या कुछ कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हुई है, होल्ड करने की सलाह है। जिस सबका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, मिल रहा है इसमें 390-400 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है, इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें एक वो 335 का एक प्रोटेक्शन के हिसाब से अपना एक एग्जिट ट्रेल करके ऊपर ले आए। और एबी कैप की अगर मैं बात करूं तो एबी कैपिटल का भी स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर कर रहा है बट कंफर्टेबली अपने 20 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसमें भी होल्ड करने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एबी कैप में वो 177 का एक एसएल मेंटेन करे, मुझे लग रहा है एबी कैपिटल में भी इन्हें 195 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो 195 तक के लेवल एबी कैपिटल में आ सकते हैं और 335 के स्टॉप लॉस साथ आप बने रह सकते हैं मिंडा कॉर्प के अंदर भी। अब असलम अली हमारे साथ मौजूद हैं जोधपुर से बातचीत करने के लिए। अली साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरे पास जोमेटो के 190 शेयर है, आईपीओ से लिया था मैंने 76 से, और ग्रेल के 190 शेयर है 124.50 से लिए थे। ओके, और दोनों का नजरिया क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए सर, और यूनिपार्ट के सर 25 शेयर है 577 से। सर फिलहाल मैं यही दो सवाल ले लेता हूँ आपके। तो आशीष जी, एक है जोमेटो, 76 रुपए के दाम पे खरीदारी है, बड़े समय बाद आईपीओ का प्राइस भी आ गया और अब प्रॉफिट में भी है, लेकिन इसमें कल एक ब्लॉक होने वाला है जिसका अपडेट कुछ देर पहले सीएनबीसी आवाज ने दिया था, 9.5 करोड़ शेयरों का 1% हिस्सा 2% ब्लॉक डील के मतलब 2% डिस्काउंट पे ब्लॉक डील होगी। और दूसरा गेल 196 शेयर है 125 रुपए के दाम पर, वहां भी मुनाफा है, क्या करें दोनों में? इसमें जी चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा है जोमेटो का, जिस हिसाब से स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर हाइज बनाया जा रहा है और एक नए वापस 111 के ऊपर 110 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, मुझे लग रहा है बने रहे जोमेटो में, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके 105 के करीब ले आए, जिस हिसाब का स्ट्रक्चर 120 तक के लेवल जोमेटो में इन्हें देखने मिल सकता है। अगर मैं गेल की बात करूँ तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और इस पूरे सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छी देखने मिली है, तो इन्हें जो स्टॉप लॉस है वो अपने कॉस्ट पे ट्रेल करके ले आए, 124 के करीब ही इनका जो कॉस्ट है वहीं पे एक स्टॉप लॉस रखे, और हमें लग रहा है इसमें भी 140 तक के लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो 140 तक के लेवल यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, आप बने रहें वो ज्यादा बेटर है, गेल में भी और जोमेटो में भी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और सोशल मीडिया पर जो सवाल आ रहे हैं उन पर बातचीत करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के उस पर रैपिड फायर राउंड के जरिए। सर और आशीष बहेती हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों को लेकर, और अब एक रैपिड फायर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल आया है, कोफोर्ज में इन्वेस्ट करने का क्या सही समय है या वेट करना चाहिए? आशीष जी क्या करें? जी नंबर्स के बाद आज अच्छा रिएक्शन देखने मिला प्राइस में, और जिस हिसाब से स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट आया था फर्स्ट हाफ में काफी इंप्रेसिव था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ वापस देखने मिला है, हमें लग रहा है कि स्टैगर्ड वे में जरूर एसआईपी के मोड पे जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वन गो में नहीं करें, एसआईपी में के मोड से इसमें जरूर इन्वेस्ट करें। रौनक जैन साहब पूछ रहे हैं, इनके पास रेपको होम फाइनेंस के शेयर है, क्या करना चाहिए इसमें?
सुमित जी, इसका कोड क्या है? रेपको होम का? हाँ एक सेकेंड, अगर इसका BSE कोड देखा जाए तो है जी मिल जाएगी जी। सुमित जी, सुमित जी चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा, स्ट्रेंथ काफी देखने मिल रही है स्टॉक में, जिस हिसाब से कंटिन्यूअसली प्राइस में हायर हाई का पैटर्न बना हुआ है रेपको होम में, हमें लग रहा है कि इसमें 444 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 414 का एक एसएल मेंटेन कर। ओके, अनुपम सिंह साहब पूछ रहे हैं, इनके पास नुवोको विस्टा के शेयर हैं, करीब 375 रुपए के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी, रिसेंट लिस्टिंग थी आई थिंक सीमेंट स्पेस में, लेकिन काफी गिरावट देखने मिली है ओवरऑल, होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली मेंटेन कर रहे 350 का, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें शायद गिरावट और देखने मिल सकती है, तो होल्ड करें 350 रुपए स्टॉप लॉस के साथ। राजेश कोठारी साहब के का सवाल है रैमको सीमेंट पर, इनके पास 797 रुपए के दाम पर खरीदारी और लंबी अवधि का नजरिया है, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी, बने रहे सीमेंट सेक्टर में, हमने देखा है वापस एक बज और बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला, अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है, तो होल्ड करने की सलाह है, जो इसने स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 950 का एक एसएल मेंटेन करके बने रहे, इसमें 1040 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पराग अशर साहब पूछ रहे हैं, इनके पास नेस्ले के शेयर हैं 16,200 रुपए के दाम पर, ये थोड़ा घबरा इसलिए रहे कि अगर स्टॉक स्प्लिट हुआ तो कंसोलिडेशन में चला जाएगा, क्या करें ये? सुमित जी, हमें उल्टा कॉन्ट्रा लग रहा है कि अगर ये स्टॉक स्प्लिट होगा तो उसमें बाइंग इंटरेस्ट और अच्छी बनेगी, और जिस आपका एक पेडिग्री, हाई पेडिग्री, वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक है, होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, इनफैक्ट अगर इन लेवल्स पे भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, इन्हें सिर्फ जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इनके टोटल पोजीशंस पे, वो 23,000 का एक एसएल मेंटेन करे, हमें लग रहा है कि ये स्प्लिट के बाद इसमें बहुत अच्छा रिटेल पार्टिसिपेशन भी आता हुआ देखने मिलेगा और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से देखने मिल सकता है। एक सवाल पुनीत अस्थाना साहब ने पूछा है हुडको को लेकर, 800 शेयर हैं 57 रुपए के दाम पर, इसका आज रिटेल में ओएफएस भी खुला है, क्या करना चाहिए? सुमित जी, थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर खराब होता हुआ देखने मिला है, बट जिस हिसाब से ओवरऑल ओएफएस जो आया है और उस पर जो पार्टिसिपेशन रहा है इंस्टीट्यूशन का वो काफी इंप्रेसिव है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, सिर्फ 76 का ही एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन पे। संदीप जैन साहब के पास 400 शेयर है अदानी पावर के 360 रुपए के दाम पे, आज अच्छे अपमूव में था स्टॉक, क्या करें? सुमित जी, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है अदानी पावर में, थोड़ा सा गिरावट देखा था हमने ऑफ लेट पिछले दो एक हफ्ते से, हमें लग रहा है कि शायद एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है 330 का जो जोन है वहां पर, और स्टॉक अब 20 डे में अपना जो है उसे ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है, तो 365 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं, 330 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। आखिरी सवाल आदित्य जी का, इनके पास 200 शेयर है L&T टेक के 4500